इस देश में क्या हालात बने हुए, ये आप सबसे छुपी हुई बात नहीं। कभी ये दो तीन बातें मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग सब यहाँ सायला तहसील के सभी लोग बैठे हो, जनप्रतिनिधि यहाँ है और वरिष्ठ नेता भी आए जो पदों पर रहे हुए हैं, और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि हमारा मानस बन गया है कि रोजगार मिले कि नहीं मिले, किसान दुखी हो जावे, पानी मिले कि नहीं मिले, बिजली मिले कि नहीं मिले, सब चलेगा, मगर वोट हमको बीजेपी को देना ही है। तो ये तय किया हुआ फैसला बता दो, पता चले कि भाई कुछ आवाज उठानी है कि नहीं उठानी थी। कभी इस देश में ये हालत देखे कि किसान आंदोलन कर रहा हो, जिसको धरती पुत्र कहा गया, जिसको अन्नदाता कहा गया, जिसका सम्मान होता है, भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों पे हम लोग सब बहुत ज्यादा निर्भर है, उनकी नीतियां बनती है, पानी देना है, सिंचाई के लिए बिजली देनी है, सबसे पहले काश्तकारों के लिए योजना बनती है कि उसको कैसे ये बिजली पानी मिलेगी, और वो जो काम कोई भी सरकार इस देश में आती थी और वो करती थी, उन किसानों को आज महीनों से सड़क पे परिवार के साथ पे बैठना पड़ रहा है और सरकार के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी जालौर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी या कोई नेता एक शब्द नहीं कहता है। तो मैं समझता हूं कि इससे शर्म की बात क्या हो सके। ये तो यहाँ की जनता को तय करना है कि इनका क्या इलाज आप लोग कर सकते हो, कैसे करना है, क्योंकि अभी हम वोट नहीं मांग रहे, कांग्रेस का व्यक्ति वोट नहीं मांग रहा है। अभी चुनाव जो चल रहा है ऐसा कोई चुनाव नहीं है। अभी चुनाव में कोई ना रामलाल जी खड़े, ना मैं खड़ा हूं, ना मंजू जी खड़े, ना भूराराम जी खड़े, उसकी मीटिंग नहीं हो रही है। आप लोग ये डीपी नहीं मिलती है, टाइम पे कनेक्शन नहीं आता है, डीपी जल गई और वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो काश्तकार कितना दुखी होता है, वो ढूंढता है, नेताओं को कहता है, फोन कराता है, दफ्तरों में जाता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज उठावे कि भाई इसकी डीपी दे दे, इतने दिन हो गए। तो आज के बाद अगर ये सरकार सफल हुई और किसानों की हिम्मत टूट गई, जो टूटेगी नहीं, और तोड़ने की साजिश चल रही है और वो हो गई कामयाब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा, तो आने वाले सालों में एक काश्तकार कहेगा कि मैं दुखी हो गया, अब करूं क्या, माल किसको बेचूं, आमदनी भी नहीं मिल रही है, पैसा भी नहीं मिल रहा है, मैं कहां जाऊं, मेरा खर्चा भी है, जो कर्ज है वो भी पूरा नहीं पड़ पा रहा है। ये स्थिति इस देश में काश्तकारों की बनेगी, इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आपको निवेदन है कि जो भारतीय जनता पार्टी का काश्तकार सभी जाति धर्म वर्ग के होते हैं, पार्टियों के होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब काश्तकार बीजेपी में, सब कांग्रेस में, हर जाति व्यक्ति छत्तीस फोर्म का व्यक्ति काश्तकार होता है, हर पार्टी में होता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित व्यक्ति है, मैं उसको निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके बीजेपी का चश्मा उतार के देखना कि मेरी ये जो बीघा के बीघा जमीन है, इसमें उगती हुई फसल अच्छे दाम में कैसे बिकेगी, और मैं परेशान नहीं हूंगा, मेरी पीढ़ी अच्छी तरह से चल जाएगी, पहले उसको देखना, फिर आप बीजेपी कांग्रेस देखना, तो ये देश का किसान सब सफल हो जाएगा और ये सरकार नाकाम हो जाएगी, नहीं तो बहुत परेशानी आ जाएगी। हमारा काम है कहना, हम कहने से ज्यादा नहीं कर सकते कुछ, आपका नेतृत्व कर सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं। अब मेरे को एक दूसरी बात और बताओ, आप लोग इस जालौर जिले के अंदर, अपने जालौर जिले से बात शुरू करते हैं, इस जालौर जिले में जब कांग्रेस का आज राज है, सरकार है प्रदेश में, या फिर बीजेपी का राज था पिछले 5 साल, कितने सारे किसान के संगठन है। थोड़े दिन पहले जालौर में उन्होंने धरना किया था, भीनमाल में धरना किया था, ज्ञापन देने जाते हैं, बिजली नहीं आ रही है, लाइट के फेरे चेंज करो, ठंड ज्यादा बढ़ रही है, डीपी नहीं मिल रही है, कनेक्शन लेट हो गए, सबको लेके जाते हैं कि नहीं ज्ञापन देने के लिए। वो तो आपके समस्याओं का ज्ञापन देते थे, आज बताओ इतनी बड़ी समस्या आ रही है पूरे देश के अंदर, जालौर जिले का
किसान संगठन और उनके नेता एक भी शब्द बोले तो मुझे बताओ आज तक एक भी शब्द काश्तकारों के समर्थन में बोले हैं क्या? किसी को याद है तो मेरे को बताओ। कोई भी तहसील में पूरे जिले में किसान संगठन कितने सारे हैं? दो चार जो भी संगठन है किसानों के, जो नेता है, जो आगे जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का रथ आता था उसका स्वागत करते थे हजारों लोगों के साथ, जो किसानों की समस्या गिनाते थे, बताते थे सरकार से हम दुखी हैं, अब तो आपकी बीजेपी की सरकार आएगी जब हम न्याय होंगे, वो बताओ वो कहा है? मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि जब बीजेपी को जरूरत होती है तब किसानों को याद मत करो। आज किसान के फांसी आई हुई है, आज किसान के साथ में खड़े रहो तो लोग आपको नेता मानेंगे, नहीं तो ऐसे किसान संगठनों का वक्त आएगा जब हम भी विरोध करेंगे कि ये वही लोग हैं जो आपके लिए बाहर भी आए थे आज वापस बाहर आए, ये इस प्रकार के लोग हैं। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी और कहनी पड़ेगी। ये कोई नहीं मैं हो जाए बगैर वोट नहीं जोड़ा गया मेरे बेटा सब खाली है, कोई अंदर नहीं गया, सब बाहर बैठे। सो मैं हो जाए यू रीज के तेरे वोट आवे जरे बनो बगैर फोकट बगैर ऐसा थोड़े किए फटाफट जैन दे आवे के कोई है सौ वेतन के जे ता किसान परेशान है तो सौ परेशान वेतन कम से कम बोधी देश तो बसावे देश बसावे मरण मारो और कोई पूछने को तैयार नहीं है। मैं मेरा सवाल या मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या किसान संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है जालौर जिले में किसान का आंदोलन करना उनकी बात पहुंचानी? वो नहीं बोल सकते बीजेपी के नेता नहीं बोल सकते? या तो बीजेपी के नेता इकट्ठे होकर जालौर में सब जगह और बता देगा कि ये कानून सही है तीनों, जैसे हम बता रहे हैं कि तीनों कानून गलत है, आपका सारा स्टॉक हो जाएगा बड़े लोगों के पास ऊपर जाएगी उसकी जो कीमत आज मिल रही है उसकी आधी भी नहीं मिलेगी। ऐसे जैसे हम बात बता रहे तो वो भी तो बता रहे नहीं होगा और कैसे नहीं होगा। यही करता हूँ आपसे कि आप सबकी बात लेके भावना लेके अच्छे व्यक्तियों को बनाओ और जो व्यक्ति बने और नहीं बने वो उनका एक दूसरे का साथ दो। पद से कुछ नहीं होता है, पद पे काम अच्छा करके जाओगे तो लोग आपको याद करेंगे और अगर पद लेने के बाद काम नहीं करोगे तो जिंदगी भर धब्बा भी लग जाता है कि यार फलाने को दे दिया था मगर कोई काम ना नहीं निकला, भले बड़ा कितना ही बड़ा व्यक्ति हो मैं क्यों नहीं हूँ। वो तो लोग तो जो बोलना है वो बोलते हैं ठीक है, सामने नहीं बोलते, सामने होते सब नमस्कार करते हैं पीठ के पीछे से कहते साई नहीं पाई तेरे मैं सुना है साई नहीं पाई ये कहेंगे लोग और कहते आएंगे और हम सब ठीक करेंगे तो कार्यकर्ता की भी इज्जत बढ़ेगी लोगों की भी इज्जत बढ़ेगी। और क्या बांट के ले जाओगे? बांट तो लिया अपन ने सबने एमपी से लेके अभी प्रधान तक एमएलए तक सब एक लाइन में आ रहे थे, सब सबने एक दूसरे को एक लाइन में रखने की कोशिश की कि बाहर नहीं निकल जावे लाइन से, एक लाइन होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, उसमें सब आ गए, रामलाल जी आ गए, मैं आ गया, मंजू जी आ गए और कौन कौन बैठा है, अच्छा ये भी आ गए और कौन आप तो नहीं लेने बच गए, सब सब आ गए, सबने सोचा कि लाइन सीधी रहनी चाहिए और नंबर ठीक रहना चाहिए, अगर कोई भी एक आधा बाहर निकल जाएगा तो खराब देगा और दूध देगा सीधे टेड़ो की करूँ वो ठीक है। तो हम तो की थी सीधी लाइन हो जाए बेला में ठीक है, हमें बने लाइन सौ सीधी की थी अरे हम बन में रंग भरवारी बात कर रंग भरे हो जा रहा रंग भराई तो मुझे हो जा करा देगा ही और एक भी जा रहा हो कलर उतारवारी कोशिश करी हम तो ओपन लागे कि मैं धगला रो कलर बराबर उतारी है पर और जान नहीं कि मुख खुद जो देखे रही हो मारो केड़ो उतरेड़ो है। ये चीजें देखो समझने की जरूरत है, मिलके करोगे तो सबको मौका मिलेगा, कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, नुकसान में कांग्रेस का कार्यकर्ता रहता है और फिर चाहते हुए भी हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते और कार्यकर्ता मजबूत होगा उसकी सुनवाई होगी उसको इज्जत मिलेगी मान सम्मान मिलेगा तो वो हमारे लिए और पार्टी के लिए दौड़ेगा। इसलिए मैं आपको भी निवेदन करता हूँ भले कहीं हो जिले में हम सब मिलके आगे आने वाले समय में काम करेंगे, ढंग से काम करेंगे, अच्छे व्यक्ति पदाधिकारी बनेंगे तो अच्छी तरह से पार्टी का काम होगा, पार्टी मजबूत होगी और ऐसा कोई सिस्टम ऐसा करो आप जिला प्रभारी जी आप बैठे हो हम सब मिलके कार्यकर्ताओं के छोटे मोटे काम होते सही, ये जिम्मेदारी वैसे देखा जाए तो जिला कांग्रेस की भी होती है मगर आप अब जो भी संगठन आपका बनाएंगे आप लोग सब मिलके हम लोग मिलके कम से कम एक दिन का तहसील हेडक्वार्टर पे या एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पे आप समय दो सारे नेता बैठे और कार्यकर्ताओं को जो भी काम है वो लेके आ जावे तो हाथों हाथ उनके लिए टेलीफोन हो जावे, अधिकारियों को बुला लेवे, उनके पास चले जावे ताकि थोड़ी बहुत बात भी इनकी पहुंच जावे, कागज इनके पहुंच जावे
और वो अपने आप जाके उनको पूछते रहे तो लोगों को भी लगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कोई बोलने करने को तैयार है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का काफी जो है ये शांति हो जाएगी। इस प्रकार के शिविर का आप आयोजन कर दो, काफी सारी तकलीफें हमारी दूर हो जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है आप लोगों से कि सायला में हम बैठे, आप तारीख तय कर दो, सब आ जाओ, आप भी आओ, कोशिश करो प्रभारी मंत्री जी आए, रामलाल जी आए, मंत्री जी आए, मैं आऊ, सारे लोग कांग्रेस के जो सीनियर लोग हैं वो सारे आए, पूरे दिन आप कैंप रखो, राहुल गोड़ा जी बिजली का काम है, पानी का है, सड़क का है, जिसके वाजिब काम है, अधिकारी बैठे हैं, बात करो आप उनको कि भाई इसका ये जवाब है और हम जवाब पूछेंगे, इनका काम करो, हो सकता है सबका काम नहीं हो, सुनवाई नहीं हो, मगर उसको कहीं तो पता चले कि मैंने मेरा कागज कहीं दिया है और उस काम का क्या होगा मेरे आगे। रोज रोज कोई आ नहीं सकता, रोज रोज कोई ले नहीं सकता, रोज रोज कोई उसके पीछे जा नहीं सकता, तो दो महीने में भी अगर एक बार करेंगे तो मामला हमारा पार पड़ जाएगा और इन लोगों के छोटे मोटे काम है उसकी सुनवाई हो जाएगी। लोग कांग्रेस के लोगों के लिए और आम जनता के लिए कहने के लिए ये लोग बैठे हैं, बाकी घूमने में और आने में कोई ना नहीं है, खूब गड़ी लेकर हम घूम सकते जाओ, उससे क्या होगा। इसलिए ये मेरा विशेष निवेदन और एक ही मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको, और उसकी सूचना आप पहले दिलाओ, और आप इसकी शुरुआत भी आप चाहो तो आप इसे सायला तहसील से आप इसकी शुरुआत करो ताकि लोगों काम मिले। आगे महीना है, सब कुछ है, हम लोग आप लोग सब बैठ जाएंगे और बिल के ये बात कर लेंगे और उसको बहाने लोगों की सुनवाई हो जाएगी, तो उस काम ठोस काम होगा, व्यक्ति राजी होके भी जाएगा, उसकी सुनवाई भी होगी, तो आएगा बात का मजा। बाकी खाली फालतू बात करने से और उनको झूठ बोलने से कार्यकर्ता को कोई मतलब नहीं, हमारी आत्मा तो दवा नहीं करती कि झूठी बात कहें, मैं कह दूँ हो जाएगा वो है फालतू बातें। इसलिए सब मिलके ये करेंगे तो उसका फायदा पार्टी को भी होगा, कार्यकर्ता भी होगा। यही मैं निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।